हैदराबाद में ही खूबसूरत इमारत ईंदड़ वींदड़ माण्हुनि जी नज़रनि जो मरकज़ बणियल रहे थी। खूबसूरत मुखी महल मुनफरद हुअण सां गॾु तारीख़ी हैसियत पिणु रखे थो। हैदराबाद शहर दरहक़ीक़त आहे महलनि जो शहर। मूंखे गोबिंद राम और मूंखे जेठानंद दो भाई थे, इन्होंने मिलकर जो है इस इमारत को तामीर किया। मुखी हाउस जी ब मंजिला इमारत में 12 कमरा, जॾहिं त छित ते ही खूबसूरत गुंबज शाही अंदाज जो अञाण बणियल आहे। ये टोटल जो है राजस्थानी पत्थरों से बना हुआ है। सागवान का इस्तेमाल किया, लकड़ी का जो एक नायाब लकड़ी है, इसका जीना भी एक तरफ लकड़ी का है और एक तरफ लोहे का है। माहिर कारीगरन पंजे पंजे कम के नफासत जफाकशी सा मुकम्मल कयो है। खवातीन उस लकड़ी के बालकनी में से देखती थी जो जिसमें जो वो नजर नहीं आती थी, लेकिन वो सारा मंजर नीचे का देख सकती थी। हैदराबाद में सबसे पहले जो टेलीफोन लगा वो इसी महल में लगा। महल में जवाहरलाल नेहरू समेत केतरियूं ही तारीख़ी शख्सियतूं मेहमान थी आयूं। ॿाहिरि मुल्कनि खां माण्हू अचनि था, ॾिसी ॾाढो ख़ुशि थियनि था। हैदराबाद में का अहिड़ी शइ आहे? हैदराबाद में इन खां पोइ त को इमारत आहे कान। हैदराबाद सिंध जो तारीख़ी शहर आहे। क़दीम माग, मकान, बाज़ारूं, महल, महलातूं, शाही किला ऐं माड़ियूं शहर जी सूंह में वधीक इज़ाफ़ो कनि थियूं। हूअं त शहर में केतिरियूं ई ख़ूबसूरत तारीख़ी ऐं क़दीम इमारतूं मौजूदु आहिनि। पर पके किले वेझो होम स्टैंड हॉल वारी चाढ़ी ते परे खां ई नज़र ईंदड़ ही खूबसूरत इमारत ईंदड़ वेंदड़ माण्हुनि जी नज़रनि जो मरकज़ बणियल रहे थी। ही मुखी महल आहे, जंहिंखे मुखी हाउस बि सॼो वञे थो। हैदराबाद जो ख़ूबसूरत मुखी महल मुनफरद हुअण सां गॾु तारीख़ी हैसियत पिणु रखे थो। हैदराबाद जे हैदर चौक खां पके किले ॾांहुं वेंदासीं त साॼे पासे क़दमगाह मौला अली अलैहिस्सलाम वारो रोड ऐं खाॿे पासे वारो रस्तो रेशम गली ऐं भाई ख़ान जी चाढ़ी ॾांहुं वञे थो, जॾहिं त बिल्कुलु साम्हूं होम स्टैंड हॉल वारी चाढ़ी ते होम स्टैंड हॉल साम्हूं मुखी हाउस जी ख़ूबसूरत इमारत आहे। अचो त तव्हांखे हिन तारीख़ी मुखी महल जो सैर करायूं। हीअ इमारत हिंद ऐं सिंध जे नाले वारी शख़्सियतनि मुखी जेठानंद ऐं मुखी गोबिंद राम पंहिंजी ख़्वाहिश मुताबिक़ 1920 ऐं 21 ईस्वी धारे रिहाइश लाइ तामीर कराए उनखे मुखी महल जो नालो ॾिनो हो। ॾिठो वञे त हीउ महल निमा घरु आहे ऐं हैदराबाद जी क़दीम इमारतनि मां हिकु क़दीम ऐं ख़ूबसूरत इमारत आहे। साईं, हैदराबाद शहर दरहक़ीक़त आहे महलनि जो शहर, पर किन खे महलनि जा नाला ॾिना विया, किन खे इमारतुनि जा नाला ॾिना विया हुआ पंहिंजे पंहिंजे नाले ते,
पर जी त मशहूर जो असान जाए हैदराबाद की एम सा मुखी हाउस मुख्यवान गोबिंद मल जी जो शहर जो मुखी पेरों नंबर इमारती आई अठ सौ स्क्वायर गजन ते तामीर थियल मुखी महल जा चार खूबसूरत दरवाजा आएं। ये मुखी हाउस जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले की एक इमारत है। ये 1920 में तामीर हुई और ये पक्का किला हैदराबाद जो हमारा हैदराबाद का सकाफती विरसा है इसके दामन में वाक़े है और ये 1.5 लाख रुपए की लागत से जो है वो तामीर हुआ। इसके जो मालकान थे वो मुखी गोविंद राम और मुखी जेठानंद दो भाई थे। इन्होंने मिलकर जो है ये इस इमारत को तामीर किया। इसकी तामीर में जो है वो राजस्थान के जो संतराज थे जो सलाट बिरादरी कहलाती है और मार्केट एरिया में जो है वो इनकी रिहाइश है, पूरा एक मोहल्ला है। तो उन लोगों ने जो है इसकी तराश खराश में हिस्सा लिया। ये टोटल जो है मजमूई तौर पर राजस्थानी तर्ज तामीर है और ये राजस्थानी पत्थरों से बना हुआ है, क्योंकि राजस्थानी पत्थरों का एक ख़ास कमाल ये होता है कि ये जब तराशते हैं तो बहुत आसानी के साथ अपनी मतलूबा शक्ल में जो है वो आ जाता है जिस तरह उसको तराशना होता है। तो बाकी जो उंगर का जो पत्थर है वो बुनियादों में इस्तेमाल हुआ है और इसकी जो है वो लकड़ी का काम हैदराबाद में जो वाडे हैं जो खुदाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं उनका एक वो पूरा मोहल्ला है, उन्होंने जो है वो इसके लकड़ी का काम किया और इसका लोहे का काम जो है यहाँ के लोहारों ने काम किया। यहाँ के जो संगमरमर का इस्तेमाल हुआ वो भी एक दीदा जेब है। तो अगर मजमू इमारत को देखा जाए तो ये इमारत जो है अपने तर्ज तामीर का एक अनोखा हुस्न पेश करता है और ये दूर से अपने आप को जो है लोगों को अपने तरफ मुतवज्जा रखने में कामयाब रहता है। मुखी हाउस जी ब मंजिला इमारत में 12 कमरा ब वड़ा हाल ब अंगण मौजूद हैं। जदें तो छित ते ही खूबसूरत गुंबज इन शानदार इमारत के शाही अंदाज जो ओण बनल है। इसमें जो है बिल्डिंग में टोटल 12 रूम हैं, 2 बड़े हॉल हैं और 2 बड़े सहन हैं। इस बिल्डिंग की खासियत में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें टोटल सागवान का इस्तेमाल किया, लकड़ी का जो एक नायाब लकड़ी है, बहुत कीमती लकड़ी है ना, जो इसका जीना भी एक तरफ लकड़ी का है और एक तरफ लोहे का है। इसकी ग्रिल, इसके शीशे जो है, शीशों पे जो ईचिंग वर्क है और हर हाल में हर कमरे में मुख्तलिफ डिज़ाइन की पेंटिंग हुई हुई है जो कि उसी दौर की है, उसको हमने देखकर उसी अंदाज में दोबारा पेंटिंग की है। इसके फ़र्श जो है टाइल्स के छोटे छोटे टुकड़े वो बड़े नायाब हैं। मुनफरद अंदाज में जो इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो बनाया गया है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। मुखी हाउस में पत्थर, काठ, मार्बल, रंग ए सिंगार जो कम तमाम खूबसूरत ए निराले अंदाज से कयो वियो हो। जडे तिन महल जे दर दरियन ए गैलरियन में शीशम ए सागवान जे काठ के तमाम खूबसूरती से इस्तेमाल कयो वियो है। सिंध के सकाफत खाते इन महल के बीहर मरम्मत कराए खूबसूरत फर्नीचर, शीशा ए रंग रोगन भी सागे अंदाज में कराए उनके म्यूजियम जो दर्जो दे छो है।
इसको सिंध गवर्नमेंट ने गोद लिया और गोद लेने के बाद जिस तरीके से इसकी रेनोवेशन की गई उस पर कुछ लोगों को एतराज़ है, ख़ास तौर पर इनके मालकान को। इनके मालकान ने जो है वो ये कहा कि हमने जिस अंदाज में हुकूमत को दिया था वो वैसा नहीं रहा, अगर वैसा रहता तो हमें खुशी होती। बहरहाल वो कुछ बरहमी और कुछ गुस्सा और कुछ मोहब्बत, कुछ अपनायत के गुलदस्ते लेकर अपने साथ हवाई चले गए, कोई बम्बई चला गया, कोई कलकत्ता चला गया। हर कमरे की भितियन में सुहणियों अलमारियों लगल आहिनि, जॾहिं त कमरनि में ठाहियल रोशनदाननि में ख़ासि क़िस्म जो शीशो लॻायो वियो आहे। कमरनि जी भितियुनि मथां फ्लोरेंट पैटर्न जा बॉर्डर कमरनि जी ख़ूबसूरती खे चार चंड लॻाए रहिया आहिनि। ऐं दरवाज़नि, दरियनि, फर्नीचर, हवादाननि या रोशनदाननि में लॻल शीशनि ते थियल चिटसाली बि तमामु मुनफ़रद ऐं ख़ूबसूरत आहे। हैदराबाद जे हिन तारीख़ी मुखी महल जी हिननि दीवारनि खे ख़ूबसूरत बणाइण जे लाइ हिन जी जेके भितूं आहिनि, उन जा जेके बॉर्डर आहिनि उहे फ्लोराइड जेके आहिनि उन तर्ज़ सां ठाहिया विया आहिनि। तमामु ख़ूबसूरत अंदाज़ सां हिन खे जेको आहे सिंगारियो वियो आहे ऐं वधीक जेको आहे इहो जेको बॉर्डर आहे इहो उन जी ख़ूबसूरती खे चार चंड लॻाए रहियो आहे। असां अगरि हिते पियल शयुनि जी ॻाल्हि कयूं त हिते ही पुराणे दौर जो हिकिड़ो रेडियो बि रखियल आहे, उन सां गॾु जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं जेके शयूं आहिनि एंटीक जेके आहिनि उहे बि हिते रखियूं वियूं आहिनि, जेके शो पीस आहिनि जिन खे ॾिसण जे लाइ या जेके माण्हुनि खे वधीक उत्साहिन थियूं त ऐं ॿी ॻाल्हि त हिते जेके शयूं रखियल आहिनि जेके बि उन सां रिलेटेड शयूं आहिनि उन्हनि जी का न का तारीख़ आहे, का न का उन्हनि जी जेका आहे हिस्ट्री आहे। त माण्हू जॾहिं हिते अचनि था त ही जेके म्यूज़ियम वारा आहिनि उन्हनि खे ॿुधाइनि था थी कहिड़ियूं शयूं आहिनि ऐं इन्हनि जो कमकार छा रहियो। हीअ जीअं सुरमेदानी आहे त हीअ सुरमेदानी बि ॾाढी एंटीक आहे ऐं अहिड़े तरीक़े सां रखियल आहे जो हुन शेप ॿुधाए पियो त हीअ केतिरी पुराणी आहे। हिन ख़ूबसूरत महल में बारोका आर्किटेक्चर स्टाइल, कलोनिकल स्टाइल, कोरंथियल ऐं आयोनिक रेनिसेंसिस आर्किटेक्चर जे कम खे ॾिसी अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त माहिर कारीगरनि पंहिंजे पंहिंजे कम खे केतिरी ख़ूबसूरती, नफ़ासत ऐं जफ़ाकशी सां मुकमल कयो आहे। मुखी ख़ानदान जी मीरास हिन घर खे ॾिसी चङी रीत अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त हिन घर में रहंदड़ ख़ानदान जा माण्हू केतिरा न महज़ब ऐं शानाइता हुआ। असां जॾहिं हिन जेको आहे डाइनिंग लॉन्च मां निकिरंदासीं त वरी हिकिड़ो हाल असांखे नज़र ईंदो। हिन हाल जी तमामु ख़ूबसूरत जेका आहे डिज़ाइनिंग कई वई आहे ऐं हिन हाल खे तमामु ख़ूबसूरत अंदाज़ सां सिंगारियो बि वियो आहे। हिते अगरि आउं ॾेखारियां त हिते हिकिड़ो झूलो जंहिंखे सिंधी में असां हिंदोरो चवंदा आहियूं, हीउ हिंदोरो बि तमामु घणे ख़ूबसूरत अंदाज़ सां तयारु कयो वियो आहे, जंहिंमें ही अॻिते वेही करे मुखी फैमिली जा माण्हू, ख़ासि तौर ते हुननि जूं जेके निंगरियूं हूंदियूं या वरी मुखी जेठानंद पाण हिते वेही करे इंजॉय कंदा हुआ ऐं हुनखे त हिते उहा शइ बि वाज़े तौर ते रखी वई आहे। जॾहिं त हिन हाल जी अगरि ॻाल्हि कयूं त ख़ूबसूरत शीशा बि आहिनि ऐं हिते टेबल्स बि लॻायूं वियूं आहिनि, कार्पेटिंग कई वई आहे छो जो ज़ाहिर हाणे म्यूज़ियम ठही वियो आहे। चवनि था त मुखी ख़ानदान पहिरीं हैदराबाद जे शाही बाज़ारि वेझो मुख की घिटी में रहंदो हो। मुखी प्रीतम दास उन घर खे सोनो घर जे नाले सां सॾींदो हो। मुखी महल तामीर कराइण खां पोइ जेठानंद मुखी पंहिंजे सॼे ख़ानदान सां गॾु अची हिन महल में आबाद थियो।
आई वॉज बॉर्न आई वॉज वेलकम टू द हाउस आउं पैदा थियसि त मूंकि हिन घर में भली कार त चयो वियो पर मुंहिंजे वालदेन जी ख़्वाहिश हुई त पुट जो औलाद उन करे खेन मुंहिंजी परवाह ई न हुई So they didn't care about me. Then my... पर मुझे दादे खेन चयो त जंहिंजो तव्हां ख़्याल नथा रखो इहा छोकिरी हिकु ॾींहुं पंहिंजो नालो रोशन कंदी One day she, you people are not caring this person. One day she will make a name. जेठानंद मुखी हिन घर जे तामीर जे 7 सालनि खां पोइ 1927 ईस्वी धारे ध्यानु करे वियो जंहिंखां पोइ हीउ घर मुखी ख़ानदान जे केतिरनि ई माण्हुनि जे इस्तेमालु हेठि रहियो मुखी गोविंद राम और मुखी जेठानंद दो भाइयुनि ने तामीर किया और बहुत दिलि से तामीर किया और इहे इस तरह तामीर किया गया यह तामीर करवाया गया कि इसका हर कमरा हवादार रोशन और इसमें कहीं पर भी घुटन का एहसास नहीं होता इसमें हैदराबाद में सबसे पहले जो टेलीफोन लगा वो इसी महल में लगा हैदराबाद में सबसे पहले जो कार आई वो इसी महल में आई हैदराबाद में जो तामीरात का आगाज़ हुआ महलात की तामीर का आगाज़ हुआ तो इसी महल को देखते हुए तामीर किए गए आज 19 महल हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर इसी तर्ज के मौजूद हैं मगर वो टूट फूट का शिकार हैं मुखी महल जी पीढ़ ऐं भितियुनि लाइ पत्थर ख़ासि तौर ते इंडिया मां घुरायो वियो हो चवनि था त पत्थर जो कमु उन वक़्त जे पत्थर जे माहिर कारीगरनि कयो हो जिन खे सेलाटा सॾियो वञे थो हिन वक़्तु बि हैदराबाद जे मार्केट थाणे लॻि सेलाटनि जो पाड़ो मौजूदु आहे ऐं उन पाड़े में अॼु बि केतिरनि ई पुराणियुनि इमारतुनि जा आसार मौजूदु आहिनि जिन में पत्थर जो कमु तमामु शानाइते अंदाज़ सां कयल आहे मुखी महल में बि पत्थर जे कारीगरनि मुख़्तलिफ़ पत्थरनि खे तमामु घणी नफ़ासत महिनत ऐं फ़न तामीर जी महारत सां अहिड़ी रीति त लॻायो आहे जो अॼु बि इमारत जी मज़बूती ऐं ख़ूबसूरती उन मां ज़ाहिरु थिए थी वाकई बि हिकिड़ो पंहिंजो सुठो मक़ाम ठाहे बसि पोइ बदकिस्मती सां सियासी पढ़ियल लिखियल माण्हू आहे पर छाकाणि त सियासत साफ़ सुथरी हुई हिंदू बि आया आहिनि मुसलमान बि आया आहिनि ईसाई बि आया आहिनि अंग्रेज़ बि आया आहिनि सभिनी इहो महल ॾिठो आहे ऐं इन खां हैदराबाद में इन खां पोइ त को इमारत आई कान्हे बहितर खां आहियूं वरी जिन ठाराई उहे त उन खां इमारत खां बि सुहिणा माण्हू आहे ऐं जेको क़ीमती क़ीमती पथर ऐं चवनि था इहो सेलाटनि ठाहियो आहे जेके पथर टुकींदा हुआ ऐं पथर जो कमु कंदा हुआ चिटसाली जो कमु चवंदा सेलाटनि ठाहियो पत्थर बिल्कुलु जंहिं सां को चवंदा मुल्तान मां बायो काशियूं जेके लॻल आहिनि ऐं संगे मरमर बि लॻल आहे माना हर जेको तामीरात जो मवादु आहे या उन में लॻल टाइल्स बि लॻल आहे पत्थर बि लॻल आहे काठ लॻल आहे किथे ट्राली किथे शीशम हर क़िस्म जो काठ बि लॻल आहे लोहो असुल बेल्जियम जो कहिड़े दिलि सां हिननि वेही ठाहिरायो आहे हर शइ उन में जेको बि मटीरियल आहे उहो क़ीमती आहे और इसमें सबसे अहम जो चीज़ है जो कि हम जो लोगों को बताते हैं लोग बड़े महसूस होते हैं उसको देखकर एक जो है पिछले सहन में जो एक लकड़ी की बालकनी टाइप की बनी हुई है जो देखने से बाहर से बहुत खूबसूरत लगती है लेकिन जब उसमें जो है इस तरह की दराजे हैं कि जो ना उसमें से आदमी बाहर से देख सकता है सब कुछ देख सकता है नीचे का लेकिन नीचे वाले को कुछ नज़र नहीं आएगा वो इन्होंने अपने एक मखसूस जो नीचे इनके जो भजन वगैरह होते थे जो इनकी छोटी मोटी तकारीब होती थी मौसीकी की तो इनकी ख़वातीन जो है उस लकड़ी के बालकनी में से जो है देखती थी जो जिसमें जो है वो नज़र नहीं आती थी लेकिन वो सारा मंजर नीचे का देख सकती थी मुखी महल जे मोहड़ के भी तमाम घनी खूबसूरत अंदाज से तैयार किया वो है
खूबसूरत एलिवेशन के ऐसी लगे तो कें माहिर इंजीनियर उनकी डिजाइनिंग कई है। खूबसूरत शाही दरवाजो उन मथा वरी पेरी मार जी गैलरी जो दरवाजो उन मथा वरी छत जी गैलरी गुंबस इमारत जी शान में वधिक वाधारो करे रही है। इन ब माड़ खूबसूरत इमारत जे दरन दरियन हवादानन तोड़े गैलरियन जा डिजाइन भी मुनफरद आन जडे तो बी मंजिल ते काठ ए लोह जी ग्रिल से तैयार कल चार गैलरियो आन छत ते एक खूबसूरत गुंबज भी तामीर थियल है जैसी पिण एक गैलरी सामू का ही नजर अचे थी। मुखी महल के फर्श में भी खास किस्म जो संगे मरमर मार्बल किथे किथे टाइल जो मुख्तलिफ़ डिजाइन वारियों सिरू इस्तेमाल क्यों व्यू हैं। इन तारीखी महल में सागवान कीमती काठ ते रंबी ए टुक जे कम सा गड शीशे जे कम इन इमारत के वधी खूबसूरत ए मन मोहिंदड़ बनाए छो है। मानू तो तमाम घना अचंदा इतने दिसण लाई हैदराबाद की एक तारीखी इमारत है जैसे दिसण लाई परे परे का असाने बाहर मुल्क का मानू अचंदा दिसंदा दिसी डाडो खुश थंदा हैदराबाद में का अड़ी शे आए जैसे दिसी मानू डाडो दिलचस्पी वठंदा इनके दिसी। मुखी महल तमाम घनी अहम तारीखी हैसियत रखंदड़ इमारत है। मुखी जेठानंद मुखी गोबंद राम हिंद सिंध जो नाले वारियों शख्सियतूँ हुई जिनों सियासी ए समाजी सरगर्मियों अहमियत जो उनमां अंदाजो लगाए सकजे तो विरहांगे का अग इन महल में जवाहर लाल नेहरू समेत केतरियों ही तारीखी शख्सियतूँ मेहमान थी आयु जडे तो केतर ही सियासी ए समाजी शख्सियत मुख्तलिफ़ वक्तन में इतने मीटिंगू पिण क्यों जिनजा सबूत अज भी इन बिल्डिंग की भितियन से लगल तस्वीर में मिलन था। I'm Suresh Bhagdani. I'm grandson of Gobindram Mukhi and son of Suresh Mukhi Gobindram jo potro and Dharam Mukhi jo putra aya. मुझी माँ धर्म मुखी मुखे इन घर बाबत घणी गालियों बुधाई। जडे मानू मुखी हाउस इंदा तो उहे इन घर की खूबसूरती के तमाम घणो एंजॉय कंदा। घर में लगल टाइल दर दरियों भितियों हर शे निराली आहे। इन महल में सिंध हुकूमत बे हम नायाब महल के महफूज करे सारा जोगो कदम खयो है। मुझी माँ एक दफो मुखे बुधायो हो त जेड़ी रीत मुखी हाउस जो भित खूबसूरत ए निरालियो आहे उनन भितिन विच में गुजरल लम्हा पिण तमाम घणा खूबसूरत हुआ। मुखी हाउस के हर कमरे से एक तारीखी पस मंजर जुड़ल है और वो मुखी फैमिली के प्रोग्रेसिव तरक्की पसंद कम्युनिटी बेस्ड आइडियल फैमिली जो अणजान बने ही खानदान गच अरसे खां सिंध में पैंजी तहजीब ए तमंदन की पासदारी कंदो रहयो तारीख ए तारीखी शयन से मोहब्बत रखंदा हुआ। उही कारण है जो अज भी सब उन्हें याद कन था। My grand uncle Jethanand Mukhi. मुझे वड़े चाचे जेठानंद मुखी अंग्रेज साम्राज्य खिलाफ लंदड़ तहरीक में अहम किरदार अदा कयो जेजे करे खेस जेल भी भोगनी पई। मुझे दादो गोबिंद राम मुखी सियासत में तमाम घणो एक्टिव हो ए ब भेरा हिदायतुल्ला जी हुकूमत में कैबिनेट जो मेंबर पिण चूंडियो वयो जडे तो बैनुल अक्वामी कारोबार में भी वो तमाम घो एक्टिव हो उन्होंने घो लागापो हों उन खानदान उनके घर की तमाम घनी अहमियत है।
that's what was really important. विरहाङे खां पोइ जॾहिं मुखी फैमिली हितां लॾे अमेरिका शिफ्ट थी वई त हिन इमारत ते केतिरा ई ज़वाल आया। कंहिं ज़माने में त हीउ महल हिंदुस्तानी सफ़ारतखानो ऐं पोइ FC जो हेडक्वार्टर बि रहियो, जॾहिं त गच अरसे ताईं हिन ख़ूबसूरत इमारत में स्कूल बि हलायो वियो। अगरि मजमूई इमारत को देखा जाए तो ये इमारत जो है अपने तर्ज़ तामीर का एक अनोखा हुस्न पेश करता है और ये दूर से अपने आप को जो है लोगों को अपने तरफ मुतवज्जह रखने में कामयाब रहता है। पाकिस्तान बनने के से पहले ये जो है वो कांग्रेस की सियासी सरगर्मियों का मरकज़ भी रहा। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पर कायम पजीर रहे और इसके अलावा दूसरे जो अरुणा आसिफ जो कांग्रेस के एक सरगर्म रहनुमा थे वो भी यहाँ पर रहे। इसके अलावा बेशुमार जो है वो यहाँ पे कांग्रेस के लीडर भी यहाँ पे कायम पजीर रहे हैं। पाकिस्तान बनने के बाद ये जो है वो इंडियन सफारतखाना बन गया। उसके बाद जो है वो सेटलमेंट जो का दफ्तर बना। ये सेटलमेंट दफ्तर जो है वो इसका काम ये था कि जो महाजरीन इंडिया से हिजरत करके आए उनकी आबादकारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो मकानात दिए गए, तो ये यहीं से जो है वो दफ्तरी उमूर अंजाम दिए गए। इसके बाद जो है वो यहाँ पर स्कूल बना दिया गया, आज जो है ये म्यूज़ियम है। हैदराबाद में थींदड़ लसानी विगोड़न दौरान इमारत में पियल बाकी बचियल सामान ऐं फर्नीचर गुम कयो वियो, जॾहिं त विगोड़ियन हिन इमारत खे बाहि ॾेई साड़े छॾियो। बाहि लॻण करे इमारत जा ख़ूबसूरत दर दरियूं ऐं गैलरियूं सड़ी रख थी वियूं। इहे सम्झो त हिकिड़ा मुखयर हुआ शहर जे ग़रीबनि जी पर ॻोल्हण वारा, हुननि वटि को मज़हबी रुझान कोन हो, आम सोशल माण्हू आहे। ऐं बाक़ी बि हैदराबाद शहर में हिकु तमामु सुहिणो इहो ठाराए विया महल दीवान गोबंद, इन जी सॼी फैमिली तमामु पढ़ियल लिखियल आमिल जहिड़ो इल्म वारा इल्मु रखंदड़ फैमिली हुई। ऐं कहिड़ियुनि जा जेके शख़्सियतूं औरतूं तोड़े मर्द इन्हनि जा लाजवाब माण्हू असां ॾिठा कोन, असांखे बुज़ुर्ग ॿुधायो त वाकई बि हिननि जेको रूप ठारायो मुखी हाउस लाजवाब, ऐं वरी ख़ुदि शख़्सियतूं जहिड़ी इमारतूं ई शख़्सियतूं चवंदो उन्हनि खां वधीक सुहिणियूं लाजवाब ऐं हिकिड़ो खुदाई ख़िदमतकार हुआ। हुननि वटि का मज़हबी पाबंदी कोन हुई, इंता पसंदि कोन हुआ, बसि उहो सिंधियत ते हुआ, सिंधी हुआ, मुसलमान बि सिंधी हुआ, पर ग़रीब गुरबे जी पर घोर लहंदा असांखे पंहिंजे बुज़ुर्ग। हैदराबाद में 19 महल हैं मुख़्तलिफ़ मक़ामात पर और वो 19 महल मजमूई तौर पर जो है वो राजस्थानी पत्थरों से ही बने हुए हैं और ये महल जो है वो देखने के लायक हैं। मगर सिंध गवर्नमेंट ने कभी भी उन महलों की तरफ महलात की तरफ तवज्जो नहीं दी। वो आहिस्ता आहिस्ता टूट रहे हैं, बिल्डर्स उनको ख़रीद रहे हैं, उनकी जगह प्लाजाएँ बन रहे हैं, मगर इसकी तहफ़ुज़ के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। मुखी ख़ानदान जे पुट ऐं धीउ समेत मुखी फैमिली अमेरिका खां अची हिन इमारत जो दौरो कयो त पंहिंजे शानदार विरसे जी तबाही ॾिसी खेनि तमामु घणो ॾुखु थियो। जंहिंखां पोइ सिंध हुकूमत मुखी हाउस खे म्यूज़ियम में तब्दील करण लाइ खेनि दरख़्वास्त कई, जंहिं ते मुखी फैमिली मुआदो करे हीउ महल सकाफ़त खाते हवाले करे छॾियो। यहाँ पर इसके मालकान आए हवाई से और कलकत्ता से, बम्बई से, तो मुश्तरक तौर पर ये मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पर जमा हुए। यहाँ पर एक छोटी सी तकरीब हुई, उस तकरीब के अंदर जब जो उन यहाँ की जो मालकान थी कविता, उसने जब उस इमारत को देखा कि इसकी रेनोवेशन कैसी हुई है, 1952 में यहाँ से चले गए थे वो लोग किसी एक ख़ास वाक़े के बाद, तो
जब वो यहाँ पर आए 1952 के बाद, तो सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो यहाँ पर एक तकरीब मुनक्किद की, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उसमें शामिल रही, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने जो है इसकी रेनोवेशन में हिस्सा लिया। मगर जब उन्होंने इस इमारत को देखा और इसकी रेनोवेशन को देखा, इसकी चीज़ों को देखा, तो उन्होंने कुछ बरहमी का इज़हार किया कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो तब्दील कर दी गई, बहुत सारी चीज़ें जो है वो गायब हो गई, बहुत सारी चीज़ें जो है वो नापैद हो गई। जो रेनोवेशन की गई वो रेनोवेशन उस तर्ज की नहीं की गई जिस तर्ज से वो छोड़ के गए थे। इसकी शक्ल तो तब्दील हो गई है मगर बाहर की इमारत जो है वो आज भी जो है अपनी तरफ लोगों को मुतवज्जा रखती है। 2008 में महकमा आसारे कदीमा ने इसको अपने हैंड ओवर लिया, तो उस वक्त इसमें जो है सरकारी स्कूल और सरकारी ऑफिसेज वगैरह थे और इसका एक बुरा हाल था। 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, 1920 में ये तामीर हुई थी, जो 1954 में वो फैमिली ये छोड़ के चली गई, तो इस बीच के तमाम अरसे में जो है इसका बहुत बुरा असर हो गया था, टूट फूट का शिकार हो गई थी बिल्डिंग। 2008 में महकमा आसार कदीमा ने इसको फाइंड आउट करके इसकी तज़ीन व आराइश, इसकी रेनोवेशन का काम शुरू किया, जो कि 2012 तक चला। 2012 के बाद जो है कुछ तातुल आ गया बीच में, उसके बाद इसकी फाइनल रेनोवेशन जो है 2018 में शुरू हुई, जो इसको फाइनल करके म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया गया है। मुखी हाउस के बीहर उन महल जड़ी हैसियत न मिली सकी आए, पर हन जी खूबसूरती बहाल करण लाए तारीखी शयूं तमाम खूबसूरत अंदाज में रखी हुई आन, जेके मुखी हाउस जी खूबसूरती में इजाफो करे रही आन। मुखी हाउस के डिसी उहे महा इमारत साज याद अचन था, जिन पांजी डाहब तजर्बे कारीगरी जी बुनियाद ते मुखी महल उन जड़ियों केतरियों ही खूबसूरत इमारतों तामीर कयूं।